साजिश है। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु धमाके पर जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा कर दिया है। बाजार से केमिकल खरीदकर बम बनाने की आशंका जताई गई है। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर बम बनाने का दावा किया गया है। धमाके का मकसद दहशत आतंक फैलाना था। धमाके से पहले आरोपियों ने जगह की रेकी भी की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये समझिए कि इंटरनेट से बम बनाने की वीडियो देखी गई, केमिकल खरीदा गया और कंप्यूटर पर वीडियो देखे गए, ये बड़े दावे हुए हैं। धमाके का मकसद दहशत आतंक फैलाना था। ओपी तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ओपी, ये चिंताजनक है, वीडियो देख करके ये कैसे बम बनाया जाता है ये देखा गया, बाजार से केमिकल खरीदा गया और मकसद सिर्फ दहशत और आतंक कायम करना था। बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, अगर आप समय पर ध्यान दें तो इस समय भारत में चुनाव होने वाले हैं और जहां पर ये बम विस्फोट हुआ है वो आईटी का एक बड़ा हब माना जाता है। कई प्रतिष्ठित हस्तियां वहां पर, नामचीन हस्तियां वहां पर आती भी हैं और एक वर्ग विशेष का ये अखाड़ा भी माना जाता है। लिहाजा ऐसे समय पर वहां धमाका किया गया है, पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत। अभी तक जो जांच एजेंसियों के हाथ आरंभिक तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक इस जगह की रेकी की गई होगी और रेकी के बाद उस स्थान को हमलावर ने चुना होगा, क्योंकि उसे पता था यहां पर लोग केवल हाथ धोने आते हैं और कोई यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लिहाजा उसने वहां पर अपनी आईडी रखी। दूसरी बात, उसे पता था यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लिहाजा उसने अपने चेहरे को और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आईडी के अंदर जो विस्फोटक मिले हैं वो बाजार में वो केमिकल सामान्य तौर पर आसानी से उपलब्ध हैं, यानी पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत वहां आतंक फैलाने की कोशिश की गई, लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो भी ऐसे समय में जब भारत में चुनाव सिर पर है। फुटेज तो सामने आया है, आपने अहम बात कही कि चुनाव सर पर है और मकसद साफ नजर आता है। क्या सिर्फ ये मोहरा है, कोई और हो सकते हैं, तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये जांच के बाद तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो आरंभिक तौर पे शक गया है वो पाकिस्तान से जो आतंकी संगठन है इंटर इस्लामिक स्टेट, उससे जुड़े लोगों पर शक गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर ब्लास्ट इसके पहले बेंगलोर में भी हुआ था और उसमें भी इन्हीं चीजों का यूज किया गया था जो इस ब्लास्ट में यूज किया गया है। मोटस ऑपरेंडी भी लगभग यही थी। तो लिहाजा इसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी ऑपरेटर से जुड़ रहे हैं और अब ये तो लोगों के पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे और कौन लोग शामिल थे। जी जसप्रीत, बिल्कुल ओपी, और अहम ये भी होगा कि क्या स्थानीय लोग हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को बरगला करके किया जा रहा है, या विदेशी हैं, ये जांच का विषय है। ओपी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैंगलोर ब्लास्ट से जुड़ी हुई। कल हमने देखा रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होता है, कैफे में, जिसमें ये बात सामने आती है कि बम बनाने की वीडियो